प्रज्ञा ही वास्तविक बुद्ध है, जो अखंड रूप से महाकरुणा का अभिन्न अंग है। सच्ची प्रज्ञा और करुणा से युक्त बुद्ध वह सर्वश्रेष्ठ अथवा सबसे उपयुक्त विधि बता सकते हैं, जिसके द्वारा इस संसार के अज्ञानी और दुखी लोगों को बचाया जा सके। इस सर्वश्रेष्ठ अथवा सबसे उपयुक्त विधि को बौद्ध धर्म की महायान शाखा में उपाय कौशल्य कहा गया है। इस उपाय कौशल्य द्वारा धर्मकाय या वास्तविक बुद्ध इस संसार के लोगों के प्रति करुणा रखते हुए उनकी भलाई और खुशी के लिए इस जगत में अवतरित होते हैं। केवल इस देह रूप के द्वारा ही वे इस स्थूल जगत के लोगों को जागृत कर सकते हैं और उन्हें परम धाम का मार्ग बता सकते हैं। इस उद्देश्य को पूरा करने का और कोई तरीका नहीं है। जैसा कि अष्ट सहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता में कहा जाता है कि तथागत का देह स्वरूप उनकी पूर्ण प्रज्ञा के उपाय कौशल्य का परिणाम है, और यह स्वरूप दूसरों द्वारा यानी उस सर्वज्ञाता को जानने प्राप्त करने का एक निश्चित आधार बन जाता है। इस आधार के सहारे ही सर्वज्ञाता के ज्ञान का साक्षात्कार होता है। बुद्ध का देह स्वरूप केवल उनके असली स्वरूप को सांसारिक लोगों से छिपा कर रखता है, परंतु वास्तव में बुद्ध सदैव एक रूप होते हैं। सद्धर्म पुंडरीक में देहधारी बुद्ध कहते हैं, मैं तथागत हूं, पुण्यशील हूं, अजेय हूं, मैंने दूसरों के उद्धार के लिए ही इस संसार में जन्म लिया है। अवसंतक सूत्र में हम पढ़ते हैं, बुद्ध अक्सर संसार में प्रकट होते हैं सभी जीवात्माओं को ज्ञान देने के लिए, उन्हें सत्य का मार्ग दिखाने के लिए, उन्हें समझाने और चिताने के लिए, और उन्हें प्रज्ञा की अवस्था में लाने के लिए। इस स्थूल जगत के स्तर पर रहने वाले मनुष्यों के लिए धर्मकाय अथवा वास्तविक बुद्ध तक पहुंचना संभव नहीं। जब तक बुद्ध इस स्थूल जगत के लोगों पर अपार दया करके उनके स्तर पर आकर प्रकट नहीं होते, तब तक वे लोग उन्हें कभी नहीं देख पाएंगे, न उनके साथ बातचीत कर सकते हैं और न ही उनसे कोई लाभ उठा सकते हैं। इसीलिए बुद्ध का आवरण युक्त देह स्वरूप उनका वास्तविक स्वरूप न होने पर भी इस संसार के लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बिना न तो सांसारिक लोगों को जागृत किया जा सकता है और न ही बचाया जा सकता है। हम धर्मकाय की तुलना कर नहीं सकते, क्योंकि धर्मकाय को तभी देखा जा सकता है जब बुद्ध के बताए गए उपदेश पर चला जाए, जब तथागत के बताए गए उपदेश पर चला जाए। बुद्ध का सार तत्व धर्मकाय है, परंतु जब तक बुद्ध अपने सार रूप में रहते हैं, तब तक इस संसार के किसी भी व्यक्ति की निर्वाण की कोई आशा नहीं की जा सकती। बुद्ध को अपने मूल रूप को त्यागना पड़ता है और ऐसा रूप धारण करना पड़ता है जिसे संसार के प्राणी ग्रहण कर सकें और जिसे भी समझ सकें। परम बुद्धत्व मानो शब्द स्वरूप में प्रकट होता है और केवल वे ही इसे देख सकते हैं जो पूर्व जन्म के संस्कारों द्वारा इसे देखने के लिए तैयार होते हैं। इसीलिए जो भी पूर्ण प्रज्ञा तथा निर्वाण प्राप्त करने के इच्छुक हैं, उन्हें बुद्ध की खोज करनी चाहिए और पूरी श्रद्धा से उनके उपदेश का पालन करना चाहिए।